हेलो गाइस, मैं हूं सार्थक कपूर। ये है ए टू जेड मार्केटिंग सीरीज और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप जो अपनी एड्स बना रहे हैं, आप उस एड्स को अलग अलग लोगों के लिए टारगेट कैसे कर सकते हैं और वो क्या चीज़ है जो एप्पल और एमआई के बीच डिफरेंस क्रिएट कर और वो क्या चीज़ है जो एप्पल और शाओमी के बीच डिफरेंस क्रिएट करती है। सो गाइज, आज की इस वीडियो का टॉपिक है टारगेटेड मार्केटिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम एप्पल जैसी कंपनी की बात लेके चलें तो एप्पल कहती है, भाई मैं अपना एक प्रीमियम प्रोडक्ट बना रही हूँ। मेरा चाहे आप सबसे सस्ता फ़ोन भी लेओगे ना, आप आईफोन कोई मिनी भी लेओगे, उसकी भी प्राइस कम से कम 50-60,000 होगी। पर दूसरी तरफ शाओमी कहता है, भाई मैं ऐसे मासेस के लिए प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मेरे जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी उसमें मेरा प्रॉफिट मार्जिन बहुत थोड़ा सा होगा और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरा प्रोडक्ट खरीदे। ऑब्वियसली दोनों कंपनी चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सेल्स हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, बट जो उनके मार्केट सेगमेंट करने का तरीका है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाते हैं। एप्पल कहता है, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्लासेस को टारगेट करना है। क्लासेस का मतलब एकदम प्रीमियम सेगमेंट के लोगों को टारगेट करना है, जिन लोगों के पास पैसा है, जो मेरे इकोसिस्टम के अंदर एंटर कर सकते हैं। मैं एक बार उनको आईफोन बेचूंगा, फिर अपना मैक बेचूंगा, फिर अपने एयरपोड्स बेचूंगा, उनको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं बाद में बेचूंगा और फिर बाद में अपनी सर्विसिंग भी बेचना चाहता हूँ उनसे। बट दूसरी तरफ शाओमी कहती है, मैं उन लोगों को टारगेट करूंगा जो मिडिल क्लास लोग हैं या थोड़े जो लोअर सेगमेंट में लोग आते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो लोग मेरा प्रोडक्ट लें। आप कभी भी ये नहीं देखोगे कि यार एकदम कोई अल्ट्रा रिच बंदा होगा वो किसी शाओमी का प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हो। मे बी शाओमी का जो हाई एंड प्रोडक्ट शायद वो यूज़ कर ले, बट शाओमी के जो लो एंड प्रोडक्ट्स आते हैं जिनकी मे बी वैल्यू 10,000 और 12,000 रुपीज़ के फ़ोन हो, एकदम जो अल्ट्रा रिच बंदा होगा शायद वो ऐसा प्रोडक्ट यूज़ ना करे। वो कहेगा कि भाई एप्पल मेरे को ज़्यादा समझता है, मेरे को एप्पल का प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। बट कोई मिडिल क्लास बंदा है वो कहेगा, नहीं यार शाओमी का प्रोडक्ट बहुत वैल्यू फॉर मनी है, मेरे को यहाँ पर जाना चाहिए। इन दोनों की जो मार्केट टारगेटिंग की स्ट्रैटेजी है वो बहुत ज़्यादा अलग है। एक जाता है क्लासेस की तरफ तो दूसरा जाता है मासेस की तरफ। जो आज का हमारा टॉपिक है टारगेटेड मार्केटिंग, इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, अपना जो पूरा मार्केट सेगमेंट है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं और देखते हैं कि भाई वो ऐसे कौन लोग हैं जो मेरा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, ऐसा कौन सा सेगमेंट है जहाँ के लोग मेरा प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, उनके पास इतनी फाइनेंशियल एबिलिटी है कि वो मेरा प्रोडक्ट बाय कर पाए और मैं अपने प्रोडक्ट के अंदर जो फीचर्स दे रहा हूँ वो सारे फीचर्स उन लोगों को सूट करेंगे। अगर कोई ऐसी कंपनी है जो चाहती है भाई दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं ना, सारे के सारे लोग मेरा प्रोडक्ट यूज़ करें, ये चीज़ तो सोचना भी थोड़ा एब्सर्ड लगता है कि भाई दुनिया के अंदर सारे के सारे लोगों के लिए अगर आपको कुछ ऐसा कॉमन प्रोडक्ट बनाना है, वो मे बी ऐसे टेलीकॉम इंडस्ट्री जैसा प्रोडक्ट हो। ऐसे तो बहुत कम प्रोडक्ट्स होंगे जो सारे के सारे लोग एक साथ यूज़ कर सकें, कोई जेंडर का डिफरेंस ना हो, कुछ लोकेशन का डिफरेंस ना हो। मे बी कुछ कुछ इस टाइप में भी एक्सेप्शन हो सकते हैं, जैसे अगर हम टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करके चलें, भाई टेलीकॉम या इंटरनेट तो सब लोगों ने यूज़ करना है ना, जिसके पास फ़ोन है उसको कॉलिंग करनी करनी है। इसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास अच्छा फ़ोन है कि आपके पास महंगा फ़ोन है या सस्ता फ़ोन है, टेलीकॉम जैसी सर्विसेज तो सारे यूज़ करते हैं। बट ऐसी सर्विसेज के अलावा मोस्टली जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोडक्ट किसी ना किसी ऑडियंस के लिए एकदम टारगेटेड होते हैं। जैसे अगर मैं योगा क्लासेस की बात करके चलूँ, योगा टीचर तो कहेगा, भाई मैं योगा सिखा रहा हूँ, योगा तो हर बंदे को करना चाहिए, चाहे वो छोटा बच्चा हो या कोई बूढ़ा बंदा हो, सबको योगा करना चाहिए, सबके लिए बहुत बढ़िया है। बट क्या ऐसा एक्चुअली होता है? क्या दुनिया के सारे लोग योगा क्लासेस में जाते हैं और वो योगा करते हैं? अब किसी योगा टीचर को अपनी मार्केटिंग करनी है, अगर वो ऐसा करे, वो क्या है कि भाई पूरी दुनिया को मैं अपनी क्लासेस के बारे में बताना है, तो मे बी जो उसका मार्केटिंग स्पेंड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, उसको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे कि यार जितने भी लोग हैं मैं सबको अपनी एड्स दिखा सकूँ। बट इसकी जगह अगर वो ऐसा करे, वो क्या है, यार मैं उन लोगों को अपनी एड दिखाना चाहता हूँ जो बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, जिनको लगता है यार कि हेल्थ उनकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो अपनी हेल्थ के ऊपर पैसा खर्च कर सकते हैं। अब जो भी ऐसे लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होंगे, वो कहेंगे यार हमें तो योगा कर लेनी चाहिए, हमारे लिए तो बहुत बढ़िया है। ऐसे लोगों को अगर हम ऐड दिखाएंगे तो मे बी वो हमारा प्रोडक्ट या जो हम सर्विसेज दे रहे हैं वो सर्विस खरीद ले। अब देखते हैं यार जो हमारी ब्रांड है उसमें हम टारगेट कैसे कर सकते हैं अपनी ऑडियंस को। जो हमारा इसमें फर्स्ट सेगमेंट है वो है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में हम क्या करते हैं, उनके जेंडर के हिसाब से, उनकी एज के हिसाब से, उनके एजुकेशन स्टेटस के हिसाब से, उनके मैरिटल स्टेटस के हिसाब से लोगों को डिवाइड करते हैं। हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऐसा कोई लड़का यूज़ करेगा जिसकी एज अभी 21 ईयर्स है, वो लड़का सिंगल है और अभी वो अपने कॉलेज में है, कॉलेज की अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा है, तो हम कहेंगे भाई ये लड़का है जो हमारा प्रोडक्ट यूज़ करेगा, तो हम एकदम टारगेट कर देंगे कि भाई हमारी सारी एड्स इसको दिखाई जाए। अब जो इसमें हमारा सेकेंड क्राइटेरिया है वो है साइकोलॉजिकल सेगमेंटेशन।
इसमें हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं यार उस बंदे की वैल्यूज़ क्या हैं, उसके बिलीफ सिस्टम क्या है, उस बंदे का जो वैल्यू सिस्टम है वो कैसा है, उसको क्या चीज़ पसंद है, बेसिकली उसकी पर्सनालिटी देख रहे होते हैं कि भाई उसकी लाइफस्टाइल कैसा है, उसका लाइफस्टाइल बहुत लग्जरी है या थोड़ा मीडियम टाइप का लाइफस्टाइल है, वो कैसी चीज़ें लाइक करता है, क्या चीज़ें डिसलाइक करता है। इसमें जो हमारा अगला क्राइटेरिया आता है वो आता है बिहेवियर सेगमेंटेशन। इसमें हम देखते हैं कि यार उसकी जो बाइंग हैबिट है, परचेजिंग हैबिट है, वो कैसी है, वो किस ब्रांड के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, उसका बिहेवियर कैसे है अलग अलग एड्स के लिए, अलग अलग ब्रांड्स के लिए। और इसमें जो हमारा लास्ट सेगमेंटेशन क्राइटेरिया आता है वो आता है ज्योग्राफिकल। इसमें हम देखते हैं कि भाई वो बंदा कहाँ पे रहता है, कहाँ पे काम करता है, किस एरिया के अंदर रहता है, किस लोकेशन के अंदर रहता है। हम देखेंगे अच्छा वो बंदा दिल्ली के इस पार्ट के अंदर रहता है, तो ठीक है भाई हमें यहाँ पे एड्स चला। अगर आपको अपनी ब्रांड के लिए टारगेटेड मार्केटिंग करनी है, सबसे पहली चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है अपने कस्टमर पर्सोना बना। अब अगर आपको अपनी ब्रांड के लिए टारगेटेड मार्केटिंग करनी है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने कस्टमर का बायर्स पर्सोना बनाना। कहोगे ये क्या चीज़ है, उसमें आपको क्या करना है, आपको उसमें जितने ही मैंने अभी चार सेगमेंट्स बताए उन चारों सेगमेंट्स की इन्फॉर्मेशन डालनी है कि अच्छा भाई आपके कस्टमर की एज ये है, लाइक्स ये है, डिसलाइक्स ये है, रहता यहाँ पे है, करता ये है, जाता यहाँ पे है, घूमता यहाँ पे है, जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन पता है ना आपके कस्टमर के बारे में सारी की सारी वहाँ पर डाल देनी है। इसके लिए मे बी आप कुछ एजम्पशंस ले सकते हो या मे बी आप अपने डायरेक्टली कस्टमर से जाके पूछ सकते हो कि भाई हमें आपको थोड़ा एक सर्वे ले रहे हैं, आप प्लीज़ अगर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दोगे तो बहुत अच्छा होगा, या अगर आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो उसके बदले में आपको कूपन कोड्स दे देंगे, आपका भी फ़ायदा हमारा भी फ़ायदा। उसके बाद जब आप पूरा ऐसे पर्सोना बना लो फिर आपको ये देखना है कि यार जो आपके कस्टमर्स हैं वो जाते कहाँ पे, वो अपना टाइम स्पेंड कहाँ पे करते हैं। अगर वो इंस्टाग्राम के ऊपर टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो आप इस सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इंस्टाग्राम में फीड करोगे कि अच्छा भाई ऐसे लोगों को मेरी ऐड दिखाओ जो इस एज की हो, ये करते हो, ये करते हो। ये अगर आपको ऑफलाइन मार्केटिंग करनी है आप देखोगे कि भाई वो बंदा रहता कहाँ पे, किस जगह पे वो ट्रैवल करता है, मैं उसी जगह पे अपनी ऐड्स चलाऊंगा। अगर आप मासेस के लिए ऐड्स चला रहे हो तो मैं भी आप मेट्रो स्टेशन जैसी जगह पे ऐड्स चलाओ, अगर आप एकदम क्लासेस के लिए ऐड्स चला रहे हो तो मैं भी आप एयरपोर्ट जैसी जगह पे ऐड्स चलाओ। आपको ये बहुत डिपेंड करेगा कि आपकी ऐड चल किसके लिए रही है, मासेस के लिए कि क्लासेस के लिए। आप जब ये अपना फाइनल कर लोगे फिर आपकी सारी चीज़ हो जानी है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चलूँ पेप्सी का, तो 2010 के अंदर जब उन्होंने अपनी माउंटेन ड्यू ब्रांड बनाई, मैं आगे जाने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो माउंटेन ड्यू है वो पेप्सी की एक सब ब्रांड है। जिसको नहीं पता था वो कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई थैंक यू इन्फॉर्मेशन के लिए, मैं कोई चीज़ नहीं बता दी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 2010 के अंदर पेप्सी ने देखा यार लोग ना माउंटेन ड्यू को इतना लाइक नहीं कर रहे, ये तो एक सोडा की तरह है, ये लोअर क्लास लोग यूज़ करते हैं, हमें ये चीज़ पीनी नहीं चाहिए। तो पेप्सी ने कहा भाई हम तो यहाँ पे सेल्स लूज कर रहे हैं, पैसा जा रहा है हमारा, क्या कर सकते हैं हम, हमारी जो भी एड कैंपेन होगी उस एड कैंपेन को ऐसा सा बनाएंगे कि यंग लोग उसको बहुत ज़्यादा लाइक करें। अगर मैं इंडिया के अंदर भी उनके एड्स की बात करके चलूँ तो क्या होती है, डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू तो उन लोगों को पीना चाहिए जो एकदम ब्रेव लोग हैं, एकदम ऐसे स्ट्रांग लोग हैं, उनके लिए ये ड्रिंक। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये देखा यार हमारा टारगेट मार्केट कौन है, अच्छा यंगस्टर्स है हमारी टारगेट मार्केट, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ यूज़ करनी है जो यंगस्टर्स को बहुत अच्छी लगे, जो अपना उनका स्लोगन है डर के आगे जीते और डायरेक्टली टारगेटेड है सिर्फ और सिर्फ यंगस्टर्स के लिए। चलो भाई ये देखते हैं कि अगर आप टारगेट मार्केटिंग कर रहे हो तो आपको बेनिफिट क्या हो सकता है। इसमें ऑब्वियसली जो आपका फर्स्ट बेनिफिट होगा वो ये होगा कि यार आपके पैसे कम खर्च होंगे, आप पूरी दुनिया के लिए ऐड्स नहीं चला रहे, आप किसी एक टारगेट ग्रुप के लिए ऐड चला रहे हो। दूसरा आपका बेनिफिट ये होगा, आप एक बढ़िया रिलेशनशिप बिल्ड कर पाओगे अपने कस्टमर्स के साथ, क्योंकि कस्टमर्स कहेंगे कि यार आप उनको समझते हो, आपकी जो भी एड्स है वो भी उन लोगों के लिए पर्सनलाइज्ड है, तो उनके साथ आप एक बहुत बढ़िया रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते। इसकी जो हमारी नेक्स्ट एडवांटेज है वो ये है कि आपको जो भी लीड्स मिलेंगी वो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी होंगी, क्योंकि भाई आप जितने लोगों को अपनी ऐड दिखा रहे हो वो एकदम आपके बायर्स पर्सोना के अंदर आते हैं, वो ऐसे लोग हैं जो फ्यूचर में आपके कस्टमर्स बन सकते हैं, जो आपके क्लाइंट्स हैं। तो अगर वो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन पहले से एकदम फिल्टर्ड होगी, आपको उसको और फिल्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइज अब मेरा आप लोगों के लिए एक छोटा सा टास्क है, आप जिस भी इंडस्ट्री में काम करते हो आपको ये बताना है यार उस इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है वो किस बंदे के लिए टारगेटेड है। जैसे लेट्स सपोज आप कोई वाटर कूलर बना रहे हो तो आपको ये लिखना है कि यार वो जो वाटर कूलर है वो मासेस के लिए है या क्लासेस के लिए है। आप जिन लोगों को टारगेट कर रहे हो उनकी एज क्या है, वो रहते कहाँ है, वो जेंडर क्या है। एक छोटा सा मेरा टास्क, अगर आपने मेरा टास्क पूरा कर लिया बस आप समझ जाना कि आप टारगेटेड मार्केटिंग पूरी सीख गए। तो गाइज आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।